वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जिप्सा। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो एक और नया ब्लैक बीस्ट रेडी हो चुका है। वैसे तो आपने इस टाइप का गाड़ी देखा हुआ है, लेकिन आज बात करेंगे म्यूजिक सिस्टम लगवाएं, कौन सा लगवाएं या फिर ना लगवाएं, उस बारे में बात करेंगे। बाकी भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, अगर आपने ऐसा एक शानदार गाड़ी लेना है ना, तो हमारा नंबर है 8199061161। यहाँ पे कॉल करें, मैसेज करें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, पूरी अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा कैसे आप गाड़ी ले सकते हो। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, फिर ही आपको पता चलेगा गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं शानदार गाड़ी का वॉकराउंड वीडियो, लेट्स स्टार्ट। कैसा लगा आपको हमारा ये शानदार ब्लैक बीस्ट? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी सजेशन है, नीचे जरूर लिखें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जो नए फ्रेंड आज पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में आल का ऑप्शन दबा दें, फिर ही आपको ऐसी शानदार गाड़ियों का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। बाकी जैन मोटर जीप के नाम से ही हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जैसे ये शूट खत्म हो जाएगा ना, मैं लाइव आऊँगा हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपके साथ के साथ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और दूसरा दोस्तों, आज जो वीडियो शूट हुआ है वो आएगा अराउंड 15 दिन के बाद, लेकिन लाइव में आप पहले ही गाड़ी देख सकते हो, तो वहाँ पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें। बाकी रील्स फोटोज वहाँ पे आती ही रहती है। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले शानदार गाड़ी की ऑनरशिप डिटेल के बारे। दोस्तों ये गाड़ी हमने बना के दिया है मिस्टर सिराज भाई, जो कि हैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, लेकिन इन्होंने ऑर्डर हमें किया था डायरेक्ट दुबई से। तो वहाँ पे हमारा गाड़ी देखा था, जो हमने गाड़ी बना के दिया था भास्कर जी के लिए, जो बिहार से हैं, वो बहुत ही गाड़ी जो है वीडियो है वो वायरल हुआ, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उस टाइप की हमने बहुत सारी गाड़ियाँ बना के दी हैं। तो भाई भास्कर भाई का वीडियो देख के इन्होंने ऑर्डर कर दिया, बोले कि भाई मैं अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर आ रहा हूँ इंडिया, तो मुझे वो गाड़ी वहाँ पर चाहिए, मैंने ये गाड़ी गिफ्ट करना है अपने पापा को, तो मैं डिले ना हो जाऊं इसीलिए आपको ऑर्डर कर रहा हूं। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, और गाड़ी मेरे को चाहिए यूपी रजिस्ट्रेशन के साथ। तो यूपी रजिस्ट्रेशन के साथ ही हमने ये गाड़ी उनको प्रोवाइड करवा के दिया है, क्योंकि पेपर वर्क जो है ना वो हर कस्टमर्स को करवाना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कस्टमर्स होते हैं वो करवा लेते हैं, बट कुछ कस्टमर्स को पता ही नहीं होता भी जाना कहाँ है, तो इसीलिए हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं हमारे कस्टमर्स को, जिनको चाहिए अपनी स्टेट का नंबर, तो उनके नाम पे ट्रांसफ़र वगैरह भी हम करवा देते हैं। आप चाहे कहीं से हो, ऑल ओवर इंडिया में, बस आप बुक करें गाड़ी, अपना ड्रीम मॉडल सेलेक्ट करें और बुक कर दें कि हाँ मेरे को ये गाड़ी चाहिए और मैं इस स्टेट में रहता हूँ तो इस स्टेट का नंबर ही चाहिए, ताकि फ्यूचर में मुझे कहीं पे भी ना जाना पड़े। तो इसीलिए जो है हम हर स्टेट के रजिस्ट्रेशन के साथ गाड़ी बना के दे देते हैं। हाँ, अगर आप माथापाची कर सकते हो तो आपको NOC के साथ गाड़ी दे देंगे, तो फिर आपको RTO के चक्कर लगा के अपना नंबर वगैरह लेना पड़ेगा, फिर ट्रांसफ़र वगैरह करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हो। तो ये रजिस्ट्रेशन के साथ ही हमने गाड़ी बना के दिया है, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन ही रहना है, तो वो उसके बाद वापस दुबई में चले जाएंगे। तो आज ये गाड़ी पूरा रेडी हो चुका है, और आज हम इसको गाड़ी को मिनी कंटेनर के थ्रू लोड करके भेज देंगे, और कल सुबह ये गाड़ी उनके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि अराउंड 600 किलोमीटर होगा हमारे से, तो आज शाम को चलेगा तो सुबह लगभग पहुंच जाएगा। हम भेज तो इसको ट्रांसपोर्ट के साथ भी भेज सकते हैं, क्योंकि कार कैरियर में दो चीज़ है, एक तो गाड़ी है लेट पहुँचता है, दूसरा भाई उसमें ये क्या है ना, कहीं से आपको लाना भी पड़ सकता है, जैसे आपको 50 किलोमीटर से भी लाना पड़ सकता है, 100 किलोमीटर से भी लाना पड़ सकता है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जो मिनी कंटेनर है उसमें गाड़ी अगर हम यहाँ से लोड किया तो आपके गेट पे उतरेगा, लेकिन चार्जेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और ऑलमोस्ट इसका डबल ही लग जाता है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट होती है कार कैरियर उससे डबल ही लग जाता है, लेकिन गाड़ी जल्दी पहुँचता है और आपके घर पर पहुँचेगा, तो ये फैसिलिटी इसके अंदर आती है। तो आप अपनी मर्जी के साथ गाड़ी मंगवा सकते हो, चाहे कार कैरियर से मंगवाओ, चाहे मिनी कंटेनर से मंगवाओ, या फिर बाय रोड भी मंगवा सकते हो अगर बिल्कुल नज़दीक हो हमारे। तो फीचर्स की बात करें दोस्तों, फीचर्स इसके अंदर जो लगाए गए हैं वो हमारे नॉर्मली फीचर्स जो हम गाड़ियों में लगाते हैं वही हैं, जैसे इसके अंदर मुस्तैज बम्पर, हैवी HD लाइट, ग्लैडिएटर ग्रिल,
प्रोजेक्टर्स लाइट इसके अंदर पूरे सुपर क्वालिटी के लगाए गए हैं, HD लाइट्स इसके अंदर इंडिकेटर में भी दिए गए हैं और प्लेन ब्लैक कलर इसके अंदर किया गया है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया इसके अंदर, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी बहुत तरह के आते हैं, आप व्हाइट कलर में करवा सकते हो, रेड में करवा सकते हो, ब्लू में करवा सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। और भाई टायर है लगवाए हैं उन्होंने मिनी मोस्टर और सस्पेंशन सिस्टम इसके अंदर फिटिंग करवा दिया है। टायर आप मिनी मोस्टर ही लगवाएं बेस्ट है, मोस्टर टायर की तरफ नहीं जाएं, ना जाएं, क्योंकि वो भाई बहुत ज़्यादा वाइड होता है, चलाने में परेशानी होती है। तो मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, जैसे आप बोलोगे हम वैसा गाड़ी रेडी कर देंगे। इसके ऊपर अगर स्कूप लगा होता ना तो और ज़्यादा जो इसका लुक आना था, बाकी इन्होंने हमने इसके ऊपर बना रखा है, अगर बोलेंगे तो फिटिंग कर देंगे। और इसके ऊपर जो ग्रिलिंग दी गई है इसके अंदर, और इसके अंदर जाली वगैरह लगा दी गई है, विंडशील्ड हमारा थार वाला ही इसके अंदर लगाया गया है। बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में जो फीचर्स लगाए गए हैं वो है AC, म्यूजिक सिस्टम, सीट्स जो लगाई गई हैं ब्लैक, ये अप एंड डाउन होती हैं, आगे पीछे जाती हैं, और इसके अंदर जो मैटिंग की गई है वो भी ब्लैक की गई है। तो आज बात करने वाले हैं हम म्यूजिक सिस्टम के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट होता है कि यार लगवाएं ना लगवाएं क्या करें, तो उस चीज़ को आज क्लियर करेंगे। देखो दोस्तों, म्यूजिक सिस्टम के बिना ये गाड़ी का मज़ा ही नहीं है, तो मैं तो क्लियरली बोलता हूँ अगर आपने ये गाड़ी लेना है ना तो म्यूजिक सिस्टम जरूर लगवाएं। हाँ, लगवाएं कौन सा उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। देखो दोस्तों, बहुत टाइप के म्यूजिक सिस्टम आते हैं, आप 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक भी जा सकते हो, वो आपकी रेंज है कितना बड़ा आपने म्यूजिक सिस्टम लगवाना है। लेकिन अगर आप इसके अंदर टच स्क्रीन वाला लगवाते हो ना, जैसे सिराज भाई ने लगवाया, तो आपको केयर भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के अंदर ओपन हुआ गाड़ी तो इसके अंदर पानी भी जा सकता है, तो एक इसके ऊपर यानी कि कवर वगैरह सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको अगर टच वाला स्क्रीन चाहिए। नहीं तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल जो है ना वो म्यूजिक सिस्टम लगवाएं बूफर टाइप, लेकिन जो आगे का प्लेयर है ना वो टच मत लगवाएं, वो दूसरा लगाएं, बाकी हैवी बूफर वगैरह लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप बाद में लगवाते हो ना तो उसमें क्या है, जो आपका मैकेनिक है वो पता नहीं कहाँ से वायर कट कर दे, कहाँ से वो कनेक्शन ले ले, और यहाँ से नहीं लेना हो तो उनको पता उतना नहीं होता भी किस साइड से कनेक्शन लेना है, तो बाद में कोई दिक्कत आ जाए या वायरिंग जो जल जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लगवाना है तो हमसे ही लगवाएं, हाँ क्रेज़ नहीं है, शौक नहीं है, तो फिर भाई मत लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है हम, लेकिन लगवाएं जरूर। बाकी अगर आपको हैवी ड्यूटी साउंड चाहिए ना, जैसे कई लोगों को होता है भी यार बहुत बड़ा साउंड चाहिए, बहुत बड़ा म्यूजिक चाहिए, तो फिर आप सोफ़ा सीट को इग्नोर करें, क्योंकि इसके साथ अपन हैवी ड्यूटी साउंड नहीं लगा सकते। हाँ, सेंटर सीट आप लगवा सकते हो, तो उसमें क्या है, नीचे बूफर आ जाएंगे, ऊपर 4 स्पीकर्स आ जाएंगे, चाहे आप बूफर्स भी और कर सकते हो तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, बट सोफ़ा सीट के कारण आप सिर्फ डबल बूफर लगवा सकते हो, उसमें 2 स्पीकर आएंगे, 2 बूफर आएंगे, तो ये चीज़ ही लगवा सकते हो। बाकी मैंने साउंड के ऊपर पूरा आपको डिटेल से बता दिया, अगर नहीं समझा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर अपन बात कर लेंगे इसके ऊपर। रियर की बात करें दोस्तों, रियर इसके अंदर लगाया गया है ओलाइविल और जरी केन तो हम लगाते ही हैं, और इसके अंदर जो LED टेल लैंप इसके अंदर लगा दी गई हैं और नंबर प्लेट वगैरह लगा दिया, तो यही है पीछे का लुक, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगवाया, कोई जैक वगैरह नहीं लगवाया, कोई बुलेट साइलेंसर नहीं लगवाया, तो जैसे कस्टमर की चॉइस है वैसे हम गाड़ी बना के दे देते हैं। बात करते हैं बजट की, दोस्तों गाड़ी लेना है आपके बजट के ऊपर है, जैसे आप 4,50,000 तक आप बजट बनाएं, 4,50,000 रुपये में हम आपको गाड़ी बना के देंगे, ये गाड़ी नहीं आएगा, बट उसके अंदर फीचर्स इतने नहीं होंगे, बेस मॉडल गाड़ी आएगा। तो कोई बनाया ना मैंने बेस मॉडल गाड़ी, तो उसका वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कैसा होता है बेस मॉडल गाड़ी। हाँ, जैसे जैसे फीचर्स आप लगवाते जाओगे वैसे वैसे बजट अप होता जाएगा, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन पर जितना खर्चा होगा वो उसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। हम जो 4,50,000 में गाड़ी देते हैं वो सिर्फ NOC के साथ देते हैं, NOC के साथ देते हैं, उसके बाद आपको नंबर वगैरह खुद लेना पड़ता है, ट्रांसफ़र वगैरह खुद करवाना पड़ता है, बस उसके अंदर पावर स्टेयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच, ये फैसिलिटी होती है। बाकी लुक वाइज बात करें तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, हैवी प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं आएंगे, सस्पेंशन सिस्टम नहीं आएगा, और इसके अंदर जो टायर हैं वो भी नॉर्मल वाले आएंगे, तो ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अगर अपना बजट आप 5.5 से लेकर 6 लाख तक कर लोगे ना तो बहुत बढ़िया गाड़ी बन जाएगा आपके लिए, बेस्ट गाड़ी बन जाएगा। बाकी आप हमारे नंबर पे बुक करोगे ना, जब 8199061161, तो यहाँ पे आप फोटो भेजोगे तो आपको पूरा प्रॉपर से डिटेल से बता दिया जाएगा कौन से फीचर लगवाओ आप, कितना प्राइस ऐड ऑन हो जाएगा, क्या गाड़ी का बजट है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पूरा देखे, पूरा देखोगे तो फिर ही आपको नॉलेज आएगा
कई मेरे फ्रेंड्स फोन करते हैं, उनका बजट होता है अराउंड 2 लाख, तो भाई फिर वो बाद में दिक्कत आती है हमें भी और आपको भी। तो इसीलिए पहले अपना बजट बनाएं, 4,50,000 स्टार्टिंग बजट चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी EMI या फाइनेंस की सुविधा नहीं है। ये एक मॉडिफाइड जीप है, डिस्पोजल जीप है, इसके ऊपर जो है अपना लोन वगैरह नहीं होता, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी और भी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कुछ आपको कन्फ्यूजन है या फिर आपको कुछ समझना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी कुछ और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।